सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ओप्पो ने कुछ दिनों पहले इंडिया की मार्केट में ओप्पो K3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था दोस्तों, जो एक एग्रेसिव प्राइस के साथ आता था। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप और पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता था। बट दोस्तों ऐसे में हमें जल्द ही इंडिया की मार्केट में ओप्पो K5 स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 730G का SoC मिलेगा, 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप और 30 वाट के फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो K5 स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक और ग्रेडियंट कलर मिलेंगे, जहां दोस्तों मोबाइल फोन के रियर पैनल पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, जो मोबाइल फोन के पीछे की साइड ऊपर कॉर्नर पर दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोच और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं बल्कि एक वाटर ड्रॉप नोच मिलेगी। तो दोस्तों वही बात करते हैं मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की। तो ऐसे में ओप्पो K5 स्मार्टफोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का एक पावरफुल चिपसेट मिलेगा, यानी कि दोस्तों इस चिपसेट से हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं। वह दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें 6GB रैम प्लस 64GB, 6GB रैम प्लस 128GB और 8GB रैम प्लस 128GB के 3 रैम वेरिएंट के साथ हमें देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के कैमरास की। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें रियर साइड पर क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जहां मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, जहां हमें सैमसंग G001 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, जो एक डेप्थ सेंसर है। और जो फोर्थ सेंसर है वो अभी हमें 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक माइक्रो सेंसर रहने वाला है। वही फ्रंट की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो वाटर ड्रॉप नोच के अंदर दिया गया होगा। ओवरऑल दोस्तों ओप्पो K5 स्मार्टफोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिलते हैं। वहीं बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें वूक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें टाइप सी पोर्ट 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक मिलता है। वहीं सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक फेस अनलॉक मिलेगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और कलर OS 6.0 का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों ओप्पो की खुद की UI है। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन की रिलीज डेट और प्राइसिंग की। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें 16,000 और 17,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जहां हमें 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलेगा। वह दोस्तों अगर हम मोबाइल फोन की लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तक तो दोस्तों इंडियन लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर हम लीक्स और रूमर्स की माने तो ये स्मार्टफोन दोस्तों हमें नवंबर के महीने में इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जो अपने कंपटीशन में आने वाले मोबाइल फोन को बड़ी आसानी से टक्कर दे देगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।